दोस्तों सर्दियों के मौसम में आंवला भरपूर मात्रा में आता है और आंवले में विटामिन सी होते हैं और जो कि आंखों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। और हर किसी की परेशानी होती है कि वो ऐसा क्या बनाए कि आंवला उनके परिवार और उनके बच्चों के पेट में जाए। तो उसी परेशानी को दूर करने के लिए देखते हैं कि आसान तरीके से आंवले का च्यवनप्राश घर में कैसे बनता है। रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। आंवले का च्यवनप्राश बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम एकदम फ्रेश आंवले लिए हैं और सर्दियों के मौसम में आंवले बहुत सस्ते आते हैं तो इनका आप च्यवनप्राश बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं। मैं यहाँ पर इन आंवलों को उबालना है तो मैंने यहाँ पर प्रेशर कुकर लिया है और कुकर में डालेंगे हम सारे आंवलों को और साथ ही साथ डाल देंगे हम यहाँ पर 1 गिलास पानी। और अब हम कुकर को कर देंगे बंद और चलिए इस कुकर को रख लेते हैं हम गैस के ऊपर। तो आंवलों को उबालने के लिए मैंने यहाँ पर गैस का फ्लेम हाई रखा है और हाई फ्लेम पे 1 सीटी आने तक इन आंवलों को हमें उबालना है। 1 सीटी आ गई है, गैस को कर देंगे हम बंद और कुकर को रख लेंगे हम रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए। कुकर यहाँ पर ठंडा हो गया है और आंवले भी काफी अच्छे से उबल गए हैं। ये देखिए हाथों की मदद से इस तरीके से फोड़ा और आंवले अच्छे से फूट रहे हैं। तो इसी तरीके से सारे आंवलों के बीज को हम निकाल के फेंक देंगे और आंवलों के कर लेंगे हम टुकड़े। तो मैंने यहाँ पर सारे आंवलों के छोटे छोटे पीस निकाल लिए हैं। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। यहाँ पर मैंने लिया है ग्राइंडिंग जार और जार में डालेंगे 1/2 चम्मच काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची, दालचीनी का 2 इंच का टुकड़ा, 4 से 5 लौंग, 1 तेज पत्ता, 1 चम्मच बड़ी वाली मोटी सौंफ। मैंने यहाँ पर जायफल लिया है और जायफल को कद्दूकस की मदद से 20 से 25 बार घिस के हम इस तरीके से डालेंगे। इसकी तासीर जो होती है बहुत गर्म होती है तो हमें यहाँ पर जायफल बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं डालना है। तो यहाँ पर ये मसालों का एकदम फाइन पेस्ट हो गया बन के तैयार। इसको हमें यहाँ पर मोटे छेद वाली स्ट्रेनर की मदद से अच्छे से छान लेना है। ध्यान रखना है कि चाय वाली छन्नी से नहीं छानना है। छानने के बाद छन्नी के ऊपर ये जो बचा हुआ हिस्सा है इसको भी हम दोबारा जार में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। तो छानने के बाद अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। नेक्स्ट प्रोसेस में इसी जार में डालेंगे हम उबले हुए आंवले और साथ ही साथ डालेंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा और सबको कर लेंगे हम एकदम बारीक बारीक ग्राइंड। ये देखिए आंवले का एकदम बारीक पेस्ट हो गया है बनके तैयार और सारी चीजें अच्छे से ग्राइंड हो गई हैं। ग्राइंड होने के बाद अब ली है मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई और कढ़ाई में डाला है 4 चम्मच शुद्ध देसी घी। और अगर आप कप के हिसाब से देखेंगे तो 1/4 कप मैंने यहाँ पर शुद्ध देसी घी लिया है। घी यहाँ पर अच्छे से गर्म हो गया है तो घी में डाल देंगे ग्राइंड किया हुआ आंवले का पेस्ट और पेस्ट को हमें घी में अच्छे से मिलाते हुए करना है मिक्स। मिक्स करने के बाद इस मिक्सचर को हमें लगभग 6 से 7 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए अच्छे से पकाना है। ध्यान रखना है कि इसको लगातार चलाते रहना है, चलाना बिल्कुल नहीं छोड़ना है। आंवले के पेस्ट को पकते पकते यहाँ पर पूरे 7 मिनट हो गए हैं और ये जो पेस्ट है थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। अब डालेंगे हम यहाँ पर 250 ग्राम गुड़। गुड़ को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था। 250 ग्राम आंवले के लिए मैंने 250 ग्राम गुड़ लिया है और गुड़ को हमें आंवले के पेस्ट में चलाते हुए अच्छे से मिक्स करना है। साथ ही साथ डाल देंगे इसमें ग्राइंड किया हुआ छना हुआ मसाला और सारी चीजों को हमें अच्छे से मिला लेना है। सारी चीजों को मिलाने के बाद अब हमें यहाँ पर इस पेस्ट को लगातार चलाते रहना है। तो दोस्तों अब आपके हाथों की होने वाली है एक्सरसाइज क्योंकि इसको हमें लगभग 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाना है। ये जो पेस्ट है कढ़ाई में जलना नहीं चाहिए, अगर जल जाएगा तो च्यवनप्राश का टेस्ट जो है खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर पूरे 10 मिनट हो गए हैं तो अब डाल देंगे इसमें हम शहद। तो आप यहाँ पर किसी भी कंपनी का शहद डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर पूरा 1/4 कप ही शहद डाला है और शहद डालने के बाद हमें सारी चीजों को अच्छे से मिला लेना है और फिर से हमें यहाँ पर इसको लगभग 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पे चलाना है।
तो अब हम यहाँ पर डाल देंगे थोड़ी सी पत्तियां केसर की। आप किसी भी कंपनी का केसर लेकर इसमें डाल सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर डाल दिया है केसर को, और केसर को अच्छे से मिला लेना है। सारी चीजें मिलाने के बाद च्यवनप्राश हमारा हो गया बन के तैयार। गैस को कर देंगे हम बंद और इसको रख लेंगे हम रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए। यहाँ पर ये जो च्यवनप्राश हमारा ठंडा हो गया है, तो इसको रख देंगे हम एक कांच के कंटेनर में। और कांच के कंटेनर में रखने के बाद इसको कीजिए आप 2 से 3 महीने तक स्टोर। अच्छा लगता है, खराब नहीं होता है, खाने में तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होता है। तो इसको एक बार जरूर ट्राई करें और अपना एक कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर शेयर करें। जुड़े रहिए आप मेरे साथ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए बाय बाय।